हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव पांडे। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 431 इन जेड 1 2022 एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो जैसे अब लास्ट मंथ है और आपके जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप जेड वंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो जो रियल टाइम इन्वायरमेंट होता है जेड वंस के लिए वो आपको एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे जो बेस्ट मेरे को लगा वो था आकाश का FTS। आकाश का FTS एकदम रियल टाइम सिचुएशन आपको देता है कि एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और जो 6 घंटे या फिर हम लोग कह सकते हैं 6 घंटे प्लस 2 घंटे जो बीच में 2 घंटे का गैप होता है, उस पूरे सिचुएशन को आकाश का FTS रियल टाइम सिनेरियो में उतारने की कोशिश करता है। और मुझे पर्सनली आकाश के FTS बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसको सॉल्व किया। होप यू ऑल हैड अ ग्रेट जेई मेंस। नाउ दैट जेई मेंस इज ओवर एंड एडवांस इज कमिंग नियर, सो यू हैव टू स्विच गियर्स नाउ। सो सिलेबस तो आप सबका हो ही गया होगा, सो एंड इट्स टाइम टू अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स एंड लॉट्स ऑफ देम। बट सिर्फ प्रॉब्लम अटेम्प्टिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू अप्रोच देम इन अ सिस्टमैटिक वे। द एडवांस एग्जाम इज अ 6-hour एग्जाम, इट्स अ मैराथन, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। So how did I do it? For me, I think Akash FTS series really helped me, because it was very close to what the actual advanced offered me. And first of all, it gave me confidence that whenever I score good, I had the confidence that okay, I'm going on the right path. And whenever I had a bad exam, I could analyze those exams and realize what my mistakes were. So even if I had few bad exams, you have to keep in your mind that it doesn't demotivate you. It's just a learning experience for you. As your JEE Mains is over now, you all are preparing for JEE Advanced. So this time, you have to change your strategy mein kuch change karna hoga, because in JEE Advanced, what matters is you should be able to know that whether you are going to attempt a question or you are not going. So this can be done if and only if you have prepared a lot for it. And for me, the Akash FTS were more helpful, as the questions were challenging but also realistic up to the level of JEE Advanced. एंड इस टाइम आपको एक टेस्ट दे के उनके मिस्टेक्स को एनालाइज करना होता है, जिससे आपको कंप्लीट सिलेबस बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता है, और आप ओनली उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर रहे होते हो जो आपके वीक हैं। एंड आई वुड रिकमेंड गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट एज द जेई एडवांस अप्रोचेस। एडवांस के लिए स्पेसिफिकली अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो मेंस में होती थी। जैसे मेंस में क्वेश्चंस जनरली आपने देखा होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता है। मतलब एडवांस में यू नीड टू थिंक कि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, वो भी काफ़ी जल्दी, क्योंकि मतलब एडवांस में डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपसे होगा कि नहीं होगा। सो आपको एबिलिटी डेवलप करने की क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करके ये डिसाइड हो पाए, और इसके लिए जरूरी है कि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की हो। एंड द ओनली वे यू कैन डू इट इज़ बाय गिविंग मॉक टेस्ट, स्पेसिफिकली FTS जो भी चालू है, तो आपको FTS देके उनका एरर एनालिसिस करना है, ताकि वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जिन पे आपको काम करना है और आप इम्प्रूव कर पाओ। बाकी FTS से ओवरऑल एक ये भी बेनिफिट होता है कि यू गेट अ हैबिट ऑफ सिटिंग 6 hours, जो मेंस में स्पेसिफिकली हम लैक करते हैं, क्योंकि मेंस 3-hour एग्जाम है, एडवांस डिमांड 6 hours, सो उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है। दूसरी बात, पेपर टेम्परामेंट है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 2 hours का गैप है। उस 2 hours के गैप में भी कई लोग काफ़ी खुद को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर पहला पेपर आपका ख़राब हो गया, सो यू नीड टू इम्प्रूव इन पेपर 2, तो वो एक जो टेम्परामेंट है, वो एक जो सोच है, वो डेवलप होने में टाइम लगता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। सो फाइनली आई विल से द ओवरऑल हसल ऑफ 2 to 4 years फॉर जेड वंस प्रिपरेशन विल डेफिनेटली पे यू ऑफ। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टीचर्स, एंड आई बिलीव दैट यू विल गेट थ्रू द जेड वंस विद वेरी फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेड वंस।